दो चम्मच बेसन डालेंगे, ठीक है, दही में। दही में ठीक है, क्योंकि इससे ना जब मतलब हम इसको दही को डालेंगे ना गरम, जब भी बॉइल होगा, हाँ जी, तो ये दही मतलब फटेगा नहीं। अच्छा कलर लाने के लिए हमने ये सौंफ पाउडर और ये कश्मीरी मिर्च एक एक चम्मच और डाली है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये सर्व करने के लिए रेडी हैं, है ना? हाँ। बड़े यम्मी लग रहे हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो, होप यू ऑल आर फाइन। तो अभी आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए हैं, आज हम दोबारा से एक रेसिपी वीडियो लेके आए हैं। तो आज की रेसिपी हमारी होने वाली है कश्मीरी दम आलू, जो कि बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और आज हम बिल्कुल इसको रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाकर आपको सिखाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखें। जो अभी दम आलू की डिश बनने जा रही है, तो मासी बताएंगे उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं। तो बताओ मासी, हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए आज इसके लिए? हाँ जी, दम आलू बनाने के लिए जी। इसके लिए पहले सबसे पहले हमें चाहिए आलू जी, जिसको हमने बॉईल कर लिया हुआ है जी, बॉईल करके इसको छील लिया हुआ जी, छील के जब इसको हमने फ्राई करना है ना, हाँ जी, इसमें हमने फोल्ड करना है, ठीक है, ठीक है। ये तो आगे आलू जी, ठीक है, जो हमने जिसको होल कर लिए हैं ऑलरेडी फोक के, था एक बार करके दिखा दो, हाँ, मैं कर दूँगा, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये देखो, ये अच्छी तरह से हमने होल करने हैं, ये तो मैं फोक के साथ कर रही हूँ। ये हम किस लिए करते हैं होल, मतलब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अगर हम ऐसे बना देते हैं, हाँ जी, ठीक है, जो हमारी दम आलू की रेसिपी तैयार हो गई जी, लेकिन ये जब हमको खाएंगे, हाँ जी, इसमें फिक्के होंगे, हाँ, मसाला इसमें सारा फिल नहीं होगा, ठीक है। इसको हम इसलिए करते हैं कि सारा मसाला अच्छी तरह से अंदर तक ठीक है फिल हो जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? नेक्स्ट हमें चाहिए दही जी, आलू के अकॉर्डिंग, ओके, ठीक है, ठीक है, आपको ग्रेवी चाहिए, ठीक है, ठीक है, आलू चाहिए, आलू हो गए, ये दही हो गया, उसके बाद हमें चाहिए बेसन जी, बेसन खाली दो चम्मच, ठीक है, दो चम्मच भी इसलिए कि अगर आलू ज़्यादा हो, ठीक है, एक किलो के हिसाब से, ठीक है, उसके बाद आ गई हमें लाल कश्मीरी मिर्च जी, सौंफ पाउडर जी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जी, और जो खड़े मसाले हैं, ठीक है, उसमें हमें ज़्यादा मसाले नहीं चाहिए। ये हो गई हमारी दालचीनी जी, ये हो गए लौंग जी, ये हो गई इलायची, ठीक है, और एक चीज़ ये हो गई, ठीक है, ठीक है। तो यही इंग्रेडिएंट्स जी, वो कसूरी मेथी, हाँ, वो लास्ट में पड़ेगी, ठीक है, ठीक है, वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल, ठीक है, नहीं डालना चाहो तो नहीं डालना, मतलब वो अपनी मर्जी है, अपनी मर्जी है, अभी इनको मिल नहीं रही है, ठीक है, है, लेकिन अभी कहीं यहाँ वहाँ रख दी, जल्दी जल्दी में, ठीक है, ठीक है। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे जो आज की हमारी डिश में डलने वाले हैं। तो अभी हम बिना किसी देरी के अपने जो रेसिपी है उसको शुरू करते हैं, लेते हैं जी, ये जो आलू है इनको हम फ्राई करेंगे, ठीक है, तेल हमने पहले से गर्म किया हुआ है, हाँ जी, ठीक है, एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता इसके आलू डालें, ज़्यादा नहीं डालने जितने इसमें आ जाए, ठीक है, आसानी से फ्राई कर सकें, ठीक है। आलू हो रहे हैं यहाँ पे फ्राई, तो कुछ आलू जो हमने साइड पे रखे हैं, मतलब ये भी फ्राई करने हैं, बट हमने अभी उतने ही रखे हैं जितने इजीली निकल जाएं कढ़ाई में से और अच्छे से फ्राई हो जाएं। जितनी देर ये आलू फ्राई हो रहे हैं ना जी, इतनी देर हम दही को फेंट लेते हैं, ठीक है, ये दही को फेंटना है, मतलब पहले फेंटना है, ठीक है, अब इसमें हम ना दो चम्मच बेसन डालेंगे, ठीक है, दही में, दही में, ठीक है, क्योंकि इससे ना जब मतलब हम इसको दही को डालेंगे ना गरम, जब भी बॉईल होगा, हाँ जी, तो ये दही मतलब फटेगा नहीं, ठीक है, पानी पानी नहीं होगा, ठीक है, इससे थोड़ा थिकनेस आ जाएगी, ठीक है। ये चला गया बेसन, बेसन ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है, ज़्यादा डाल दिया तो वो बेसन का फ्लेवर आएगा तो वो जी खराब हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये बेसन डाल के हमने अच्छी तरह से इसको फेंट लेना है ना, पानी भी डालना है इसमें, इसमें हम पानी डालेंगे, हाँ। पानी कितना क्वांटिटी में, पानी जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, क्योंकि दही है, बेसन डाला है तो थिक हो जाएगा, ठीक है,
आलू की क्वांटिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम मतलब दही है ये 1 किलो दही था। ठीक है ठीक है, अब इसमें हम 1.5 गिलास पानी डालें। ठीक है, ये डाल दिया इसमें 1.5 गिलास पानी डालना है। 1 गिलास पानी चला गया इसमें और ये चला गया 1/2 गिलास और, मतलब 1.5 गिलास पानी हमने पूरा इसमें डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे लाल कश्मीरी मिर्च। जी ठीक है ठीक है, ये हमने भी इसमें डाल दिया 1 चम्मच। तो अब इसको भी फेंट लेंगे साथ में। ये अभी हमने थोड़ी मिर्च डाली है। ठीक है, अभी हम इसमें तड़के में डालेंगे थोड़ी सी। ठीक है, और इसको भी साथ साथ देखते रहेंगे। ठीक है, टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारा नमक चला गया। सौंफ पाउडर। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। ठीक है ठीक है, क्योंकि अभी तड़के में भी थोड़ा पड़ेगा ना। ठीक है, और इसको भी अब हमने फेंट लेना है। ठीक है, ये सारा फ्राई कर लिया मैंने। ठीक है, ये फ्राई करके निकाल लिया आलू। ये ऑयल बहुत ज्यादा था ना, हाँ। तो हमने जितना ऑयल मतलब सब्जी के लिए चाहिए उतना रखना है। हाँ। अगर आपने कम खाना है तो आप कम रखो। अगर आपको चाहिए कि जैसे हलवाई जैसे वो ज्यादा, हाँ, तेल वाले, तो आप अपने अकॉर्डिंग तेल रख। ठीक है, बाकी ऑयल मैंने आलू निकाल लिए हैं फ्राई करके। देखो इसका कलर कितना अच्छा आया है। क्या करना है हमने? अभी ऑयल मैंने बंद कर दिया था ना, थोड़ा ठंडा, हाँ, हो गया। ये ऑयल ठंडा हो गया तो मैंने फिर से इसको ऑन किया, थोड़ा सा गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं। ठीक है, अगर ज़्यादा गर्म होगा तो मैं जो जो मतलब इसमें मसाले डालती जाऊँगी, हाँ, वो सारे जलते जाएंगे। अच्छा, वो फ्लेवर नहीं आएगा। फिर मैंने फिर घी डाली है। ठीक है, घी का अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जितने मतलब आपने आलू बनाने हैं, हाँ, तो उस हिसाब से 1 पिंच 2 पिंच। ठीक है, उसके बाद ये खड़े मसाले थे हमारे जो, ये मैंने खड़े ही डालने हैं, पीस के ही डालने हैं। ठीक है ठीक है, चल गए मसाले, हाँ, से इसका इन मसालों का फ्लेवर आएगा। ठीक है ठीक है, खुशबू आ रही है। ठीक है ठीक है, अब इसमें मैं डाल रही हूँ, ये पहले हमने इसमें लाल मिर्च और सौंफ पाउडर डाला था, हाँ, वो था कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ठीक है, उसके साथ कलर तो आ जाएगा, हाँ, लेकिन इतना अच्छा कलर नहीं आएगा, हाँ, वो जैसे जैसे बॉइल होगा लास्ट में कलर छोड़ेगा। ठीक है, इसलिए अच्छा कलर लाने के लिए हमने ये सौंफ पाउडर, हाँ, और ये कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच और डाली है। ठीक है, इसको जलने नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि एक मिनट अभी इतना गर्म नहीं किया था, हाँ, तो अब ये जो दही फेंटा हुआ था ये इसको डाल देना। आहिस्ता आहिस्ता जल्दी डालोगे तो वो अपने बन जाएगा। ठीक है ठीक है, खुशबू आना शुरू हो गई। आपके आलू ज़्यादा है, हाँ, इसलिए ये मैंने इसमें बेसन डाला है, इससे, हाँ, ग्रेवी ठीक हो जाएगी। हाँ, दही भी ज़्यादा था, हाँ, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी और डाल दूँ। ठीक है ठीक है, वो आप मतलब अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो अगर आपका, हाँ, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है ठीक है, साथ साथ बॉइल होगा, साथ में इसमें आलू डाल दूँ। ठीक है, आलू डाल रही हूँ कि अच्छी तरह से मसाला जो है ये साथ में बॉइल हो जाए और इसमें नमक मिर्च मिक्स हो जाए। ठीक है ठीक है, ये साथ साथ में बॉयल होते जाएंगे। और ये आपको लग रही है ये ग्रेवी, लेकिन ये जब बनेगा पूरा, हाँ, जब ठंडे होंगे, हाँ, तो ये थोड़ी ग्रेवी ठीक हो जाएगी, हाँ, और इसका कलर भी तभी आएगा अच्छा। ठीक है, अभी ये सारे अब हम इसको कोई 20-25 मिनट के लिए बॉयल करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है ठीक है, जब ये बन जाएंगे फिर ठंडे होंगे, इसका कलर तब आएगा अच्छी तरह। ठीक है, अभी अच्छी तरह से बॉइल हो गए हैं जी, अभी इसका कलर ये आया है, ये साइड से कलर छोड़ रहा है। ठीक है, जब ये ठंडे होंगे ना, इसका कलर इससे और ज्यादा अच्छा आएगा, अच्छा, और फ्लेवर और ज्यादा इसका अच्छा होगा। ठीक है,
अभी हम इसको बंद कर देते हैं, अभी ये रेडी हो गए हैं। ठीक है, रेसिपी मैंने अपनी शेयर की कि जैसे मैं खुद बनाती हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को किसी को इससे और अच्छी रेसिपी पता है तो आप लोग शेयर कर सकते हो हमारे साथ। ठीक है, तो आपने सुनी लिया तो आप अब कमेंट्स में अपनी रेसिपी भी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, और अगर हमने कोई मिस्टेक किया है बीच में तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो जिनको नहीं मतलब आता था या जो सीखना चाहते थे, जिनको सच में हमारी रेसिपी से फ़ायदा हुआ है, वो ज़रूर ट्राई करना एक बार घर पे, काफ़ी टेस्टी बनते हैं। खुशबू आ रही है, अच्छा बात है, खुशबू आ रही है। परी और भी आ गए हैं, अभी गुन्नू भी आ गई है ट्यूशन से, अच्छी खुशबू आ रही है। सही बात है। अब ये लोग बोलते हैं कि अच्छी बनाती है, तो इन्होंने मुझे बुलाया कि हाँ बना के दे जाओ। हाँ, मैंने कहा मैं बना देती हूँ, ठंडे होते हैं। हाँ, एक वीडियो आपको उसकी ठंडे, जब ठंडे होते हैं वो भी दिखा देंगे कलर कितना अच्छा आया। हाँ, ठीक है, ठीक है, आपकी मर्जी, आप इसको जिसके साथ मर्जी खाओ, चावल के साथ, रोटी के साथ, के साथ, या पराठे के साथ, या फिर ऐसे ही खा लो। मैंने बना के दे रहे थे वो मैंने बना दिए। ठीक है, अब आप लोग देख लो किसके साथ खाने हैं। ठीक है, ये देखो कलर कितना अच्छा आया है। हम्म, ये इसमें लाइट की वजह से थोड़ा ऐसे लग रहा है, अगर हम लाइट के बिना देखें तो इसका कलर बहुत अच्छा आया है ना जी। हम्म, बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज जैसा। आपने तो टेस्ट भी किया, कैसा टेस्ट है? बहुत अच्छा है, बहुत यम्मी। अभी इसमें मैंने वो तेज पत्ता नहीं डाला है क्योंकि वो भी मुझे यहाँ पे नहीं मिला था। हाँ, तो खड़े मसालों में हम वो भी डाल सकते हैं क्योंकि खड़े मसालों में आता है वो। हाँ, वो भी उसका भी फ्लेवर अच्छा होता है, मतलब उसकी स्मेल फ्लेवर अच्छा होता है। तो अभी ये सर्व करने के लिए रेडी हैं, है ना? हाँ, और बड़े यम्मी लग रहे हैं। तो ये देखो एक बार कितने ज़्यादा यम्मी लग रहे हैं।